दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है। तो दोस्तों इस प्रकार का एक मैसेज है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एसएमएस के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू बिजनेसमैन को भेजा जा रहा है, और इसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है भी आपकी जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन 10 हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ईयर रिलेटेड 2021 की रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये मानना है भी आपकी फाइनेंशियल ईयर 2021 के दौरान में आपकी हाई वैल्यू की ट्रांजेक्शन हुई है या नहीं हुई है, इसको देखने के लिए आपको अपने ई कंपेन पे यानी कि इस पे कंप्लायंस पोर्टल पर जाके इस बात को वेरीफाई करना होगा भी जो डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिली है वो सही है या फिर नहीं है। तो सही है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं है तो उसको आपको डिनाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे में किस तरीके से देखेंगे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन को, इसके लिए आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन हो जाना है, और लॉगिन होने के बाद आपको माई अकाउंट पे जाना होगा, और माई अकाउंट पे जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे कंप्लायंस पोर्टल पे, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे ये परमिशन पूछेगा, इसे हमको कन्फर्म करना पड़ेगा, और जैसे हम कन्फर्म करेंगे तो यहाँ पर हमें कंप्लायंस पोर्टल की साइट पे इनकम टैक्स की जो साइट है डायरेक्टली यहाँ पर ले जाएगा, और उसके बाद हमें कुछ इस तरीके के यहाँ पे कंपेनिंग दिखेंगे। तो हम इसमें आपको एक सेकंड ऑप्शन दिखेगा ई कंपेन में, और इसके अंदर आपको एक ऑप्शन इस तरीके का एक या दो हाईलाइट होगा। तो अब मेरे पास एक है तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, एक है तो भी आपको क्लिक करना है, दो है तो भी क्लिक करना है। तो दोस्तों क्या फर्क रहेगा एक का और दो का, अगर आपके पास दो दिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे जैसे कि मेरे पास अभी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 शो है, तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2019-20 भी शो होगा और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 भी शो होगा। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 पर क्लिक करेंगे तो आप इसमें ये भी देख रहे हो ई कंपेनिंग है, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको कुछ यहाँ पर डिटेल आएगी आपकी बिजनेस के फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के दौरान जो ट्रांजेक्शन हुई है उसकी रिकॉर्डिंग। तो इसमें आपको दो तरीके की ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन और अदर सोर्स इनकम। तो दोस्तों बिजनेस ट्रांजेक्शन और अदर इनकम सोर्स इनकम में क्या क्या आएगा उस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देखो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 3,84,56,656 रुपये की, और इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करना होगा, और कुछ इस तरीके की विंडो जो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें आपकी जो कुछ टीडीएस आपका कटा हुआ है, जो आपको कमीशन मिला हुआ है, उसकी सारी रिपोर्टिंग आपको यहाँ से मिल जाएगी, किस पार्टी ने आपका टीडीएस है जो डिडक्ट किया हुआ है, कितना कमीशन आपको उस पर मिला हुआ है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और उसके अलावा आपने कितना गुड्स परचेज किया हुआ है उसकी भी रिपोर्ट आपको यहाँ पर सारा मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो वी परचेज ऑफ एनी गुड्स एक्सेप्टेड गुड्स ऑन विच टीसीएस जो भी इसके सेक्शन है 206C है 206C1F है 260C1G है, यानी कि जिसके भी रूल के अकॉर्डिंग आपने कोई गुड्स परचेज किया हो तो उसकी वैल्यू भी आपको यहाँ पर शो करेगा, यानी कि टोटल आपने कितना गुड्स परचेज किया हुआ है, कितना आपको कमीशन मिला हुआ है अदर सोर्स इनकम के अकॉर्डिंग, वो सब कुछ यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ सेकेंड ऑप्शन पर, तो सेकंड ऑप्शन पर जाने के बाद जो पार्टी की जो टर्नओवर रहेगी यहाँ पे बी टर्नओवर रिपोर्ट इन GSTR 1, यानी कि आपने GSTR 1 के दौरान फाइनेंशियल ईयर 2021 के दौरान आपकी जो टर्नओवर है ये इतनी शो कर रहा है इनकम टैक्स के पोर्टल पर। तो दोस्तों जो हमारा रिकॉर्ड होता है जो हम GSTR 3B GSTR 1 फाइल करते हैं, जो सेल का जो रिकॉर्ड होता है वो हमारा इनकम GST पोर्टल के साथ साथ इनकम टैक्स पोर्टल पर भी अपलोड हो रहा है, तो यानी कि हम दोनों पोर्टल से इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मैसेज का आने का मतलब ये भी जो रिकॉर्ड आपको हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में ये जो शो हो रहा है आपको इसको ये करके बताना है भी, एक्सेप्ट करके बताना है भी ये आपका रिकॉर्ड वास्तविक में है या फिर नहीं है। तो गलती से कई बार ऐसा भी हो जाता है भी जो GST नंबर है हमारा गलती से किसी सप्लायर्स ने वो हमारा GST नंबर डाल दिया तो वो हमारा पोर्टल पर शो होना शुरू हो जाता है, जबकि वो एक्चुअल में हमारी परचेज होती नहीं है। अगर आपकी इस टाइप की कोई परचेज आपके पास आ रही है, आपकी पोर्टल पे आपका GST 2 में रिकॉर्ड शो हो रहा है लेकिन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका रिकॉर्ड नहीं है, तो आपको इसको एक बार वेरीफाई कर जरूर कर लेना चाहिए क्योंकि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मैटर है। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी एक एक बल्क में करना चाहोगे सारा डाटा तो आपको कई ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे भी कन्फर्म है, करेक्ट है, अदर पर्सन ईयर्स है, डुप्लीकेट है, डिनाइड है या फिर पेंडिंग है।
तो अगर आपको कोई भी एक ऑप्शन लग रहा है, जैसे मान लीजिए कोई भी रिकॉर्ड है ये आपका नहीं है या फिर आपका है, नहीं है तो क्या करना है तो क्या करना है, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहां से आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अब इस एक्शन में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट और इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड। अगर आपका रिकॉर्ड सही है तो आप इस पर करेक्ट करके सबमिट करोगे, और इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड यानी कि गलत है तो आप इसे डिनाइड पे क्लिक करके सबमिट करोगे। लेकिन इस पोर्टल पर आपको रिकॉर्ड को एक्सेप्ट या डिनाइड करने से पहले इस रिकॉर्ड को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ जरूर वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है भी हमारे बुक्स में तो इसकी एंट्री है नहीं, लेकिन ये वास्तविक में हमारी वर्सेज होती है या हमारा कमीशन होता है, लेकिन हमने गलती से इसकी एंट्री हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में अभी तक नहीं करी है। तो हमें एक बार उस सप्लायर से बात जरूर कर लेनी है भी आपने हमारे पोर्टल पे आपके GST R1 में आपने हमारे GST नंबर के थ्रू ये सेल रिकॉर्ड दर्ज करी है, लेकिन हमारे पास एंट्री नहीं है तो इसका रीजन क्या है। तो गलती से भी हो सकता है, और या फिर ऐसा हो सकता है भी सप्लायर सही है लेकिन हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी ट्रांजेक्शन नहीं है, यानी कि हमने एंट्री नहीं करी है। दोस्तों अभी भी मौका है, क्योंकि हमने मार्च मंथ की जो रिटर्न अभी फाइल करनी है तो उसमें सब कुछ हमारा डाटा जो रिकॉर्ड सही हो सकता है। तो इसी के रिकॉर्डिंग ये मैसेज है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा जा रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, वैसे तो ये जो मैसेज भेजा जा रहा है वो एडवांस इनकम टैक्स की तरफ से भेजा जा रहा है, क्योंकि जो फोर्थ इसकी जो इंस्टॉलमेंट आने वाली है इनकम एडवांस इनकम टैक्स की, उसी की रिकॉर्डिंग है भी। अगर आपने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करी है और उसी के अकॉर्डिंग अगर आपकी एडवांस इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो आप उसे 15 मार्च से पहले पहले जरूर जमा करवाएं। तो दोस्तों ये मैसेज आपको भी मिला होगा, अगर नहीं मिला है तो ये आपके पास मैसेज आ जाएगा अगर आपकी जो टर्नओवर है वो करोड़ों में है तो। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों आप इस कंप्लेंट्स को यहां से डाउनलोड भी कर सकते हो, जैसे आप इस पे डाउनलोड करोगे तो आपके पास ये एक्सेल में सारा रिकॉर्ड है जो डाउनलोड हो जाएगा। आप डाउनलोड करके आराम से एक बार इसको वेरीफाई जरूर कर लेना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ भी, जो हमारी परचेज आ रही है वो हमारी एक्चुअल में बुक्स में इतनी परचेज है या नहीं है, जितना हमने कमीशन रिसीव किया है उतनी कमीशन हमने हमारे बुक्स में इसकी इनकम साइड में इसको रिसीव किया है या नहीं किया। तो ये सारी ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ मैच जरूर करनी है, उसके बाद में ही हमें इस पोर्टल पर जाके इसका एक्शन लेना होगा। ना शेयर भी जरूर कर देना, और अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर अकाउंट्स और इनकम टैक्स से रिलेटेड इसी तरीके की वीडियो अपलोड करते रहते हैं।